रहा हूँ और पुलवामा हमले के अंतर्गत जो 47 वीर जवान शहीद हुए थे उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी अभी जो हमारे भारत के जो विंग कमांडर के जो पायलट थे अभिनंदन तय दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान में अपने जान की आहुति देकर 58 घंटे बिताए और वो सुरक्षित भारत लौटे। बात करें तो हम अपने भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान एक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि इस देश में इस संविधान की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। ये मनुवादी लोग हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी हर एक दल एक साथ आकर बंद करें तो हम कड़ी से कड़ी चलकर इस संविधान को और सफल बना सकते हैं और बचा सकते हैं और देश को और आगे विकासशील और विकसित के पद पर ले जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो 5 वर्ष पहले जो पीढ़ियों ने दुख झेले, जो आगे आने वाली पीढ़ियां वो आपके बच्चों के लिए और दुख झेले। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हम कभी भी नहीं जागेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी राजस्थान भूमि आपके साथ है, जब कभी भी आप मुझे बुलाओगे मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। जय भीम जय भारत। परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी, ठीक है पढ़ लिया अच्छी परसेंटेज आ गई, फिर कहते हैं कि अब इंटर का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, हाईस्कूल तो हो गया जैसे तैसे, फिर इंटर के एग्जाम में लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि जो अब बीए आएगा या बीएससी आएगी ये मेरे कॉम आएगा फिर उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे, ये होता है। आपने इंटरव्यू कर लिया, फिर बीए कर लिया, बीएससी कर ली, फिर कंडीशन के एग्जाम में लग जाते हैं और फिर उसके बाद में नौकरी भी पा जाते हैं, फिर नौकरी को बचाने में लग जाते हैं। तो संदर्भ कहां से पढ़ा गया भाई? आप लोगों से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि संदर्भ पढ़ा कैसे, कहां से पढ़ा गया, समय नहीं निकला। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को एक घंटा आधा घंटा जो भी स्टडी करते हैं उसमें से पढ़ने में जरूर लगाएं, अपने इतिहास को जाने, बाबा साहब को जाने, अपने धन को जाने, यही मेरी आप लोगों से विनती है। रोजाना मेहनत की, कई दिन 24 घंटे लगा रहे तब बड़ी मेहनत करके उन्होंने संविधान को बनाया। इसमें अपने दलित वर्ग के लिए उन्होंने स्थान आरक्षित भी करवाए और दूसरी सुविधाएं दिलवाई, महिला वर्ग को उन्होंने जीने के लिए अधिकार दिलवाए, जो कि हिंदू धर्म में उस चीज को पैर की जूती माना जाता था उसको जो है बुद्ध भगवान बुद्ध और उनके धर्म के अनुसार जो है उचित अधिकार दिलवाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष में मरे हुए बुद्ध धर्म को पुनः जीवित करने के लिए बुद्ध धर्म को अपनाया और अपने अनुयायियों को कहा आप लोग भी बुद्ध बने। अगर अगर आपको हिंदू धर्म में इज्जत नहीं मिलती है, यहाँ पे आपका अनादर होता है, आप ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अनेक सुविधाएं देकर अपने वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए बहुत अधिकार दिए। अब हम लोगों की ये जरूरत है उन अधिकारों को अच्छी तरीके से पढ़ें और समझें और सरकार से उन अधिकारों का प्रयोग करते रहें। अगर सरकार हमारे उन अधिकारों को बंद करना चाहती है, किसी तरीके से उनमें हानि पहुंचाना चाहती है, तो हम उसके प्रति जो है जागरूक रहें और सत्ता पक्ष को ऐसा न करने दें। एससी डॉक्टर सब कुछ बनती है, खास महिलाओं को तो बहुत ज्यादा योगदान दिया बाबा साहब ने दोस्तों। लेकिन इससे पहले भी जहाँ पर ऐसा भी विधान था जिसमें नारियों को चौड़ों की दासी और बच्चा पैदा करने वाली मशीन कहा जाता था, उस संविधान को जो इंसान को इंसान नहीं समझता था बाबा साहब ने उसे पार्लियामेंट के सामने करा दिया और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उस संविधान को गद्दारों ने कहा कि ये सही नहीं है, इसमें कमी है, हम कभी भी ये माफ नहीं करेंगे ना हम उनकी हरकत को बर्दाश्त करेंगे। दोस्तों आज हमारे भाई साहब पंत चौधरी जी, बच्चन भारती जी, सुनीता जी, विश्वनाथ जी, आप सभी लोगों ने मिलकर जो ये एक संगठन बनाया ग्रीन ज्योति अभियान के तत्वाधान में यहाँ पाया जंतर मंत्र में सब लोगों को ट्वीट किया, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।
मंदिरों में जाकर घंटे बजा रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि हमारे ये गुलाम बने रहे जैसे सदियों से गुलाम बने रहे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस मेहनत और लगन से ये संविधान बनाया, हम लोगों को अधिकार दिए, उस अधिकार के आधार पर हमें तीन संदेश दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करो। अब वक्त आ गया है कि हमारे बाबा साहब के द्वारा जो रचित संविधान है इसकी रक्षा करनी है हमें, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, जो मर्जी देना पड़े। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे बगैर, हमारे समाज के बगैर ये हिंदू समाज लंगड़ा है। वो क्यों है? क्योंकि इसके जो चार पिलर हैं, एक पिलर है ब्राह्मण, दूसरा पिलर है क्षत्रिय, तीसरा पिलर है वैश्य, चौथा पिलर है शूद्र। जिस दिन शूद्र का पिलर गिर जाएगा ये सारी बिल्डिंग इनकी बनी बनाई गिर जाएगी। और हमें सिर्फ बाबा साहब ने जो हमें आजादी दी, पढ़ने का अधिकार दिलाया और आज हम जो उनकी गुलामी करते थे आज हम उनकी गुलामी नहीं करते और उनको बराबर का जो है ना विरोध करते हैं उनके हर बात का। और यही कारण है कि उन लोगों ने जो है ना बाबा साहब के संविधान को चेंज करने की बात कही। लेकिन ये मनुवादी लोग जब से पैदा हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा इंसान इन लोगों में पैदा नहीं हुआ है। ये सब दो दो तीन तीन हाथों के लोग ये कुछ नहीं कर पाए। और आज बाबा साहब ने पूरे संसार को, भारत को ही नहीं पूरे संसार को बता दिया है कि अगर हमारे लोगों को मौका मिले तो हम जो है इस जैसा संविधान बना सकते हैं और अपने जो भाई है पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जो इनके गुलाम नहीं बनेंगे। तो आज आपने जागृत होना है, मंदिरों का घंटा बजाना है या संविधान की रक्षा करनी है। तो समय का बहुत अभाव है और मैं आप सबका आयोजन धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भगवान बुद्ध की। विकास की जननी है, उसमें आदमी अब क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, लेकिन आस्था, अंधविश्वास, ये अंधविश्वास हमारे देश में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, इसको कोई नहीं रोकता। हम सब इंसान हैं, सब इंसान है, उसको कई जातियों को बांट दिया, कई जातियों को बांट दिया, संविधान इसका विरोध करता रही, क्या करें। आजकल आजकल सब जातियों को अपनी श्रेष्ठ बनाने लग गए, मैं तुझसे बड़ा। ये तो बाबा साहब संविधान ने पहले ही नष्ट कर दिया कि भाई राजा के बेटा राजा नहीं हो जब तक जनता नहीं चाहेगी, उसका अनुकूल होगा। लेकिन क्या है आज कि भाई ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ कैसे है, स्वर्ण कैसे है, पता ही आप सभी को कि भाई जो स्वर्ण वो होता है कि सबसे उत्तम हो, जीत कहलाता वो स्वर्ण कहलाता है। ये थोड़ी नहीं कि पैदा हो गया बस स्वर्ण है तू। इसलिए साथियों सोचे, आज देखो इंसान ही प्रकृति का नुकसान करता है, प्रकृति अब देखे कैसे, क्या प्रकृति सबको सब कुछ देती है लेकिन इंसान सोचता कुछ नहीं पर नुकसान करता है, प्रकृति को प्रायोरिटी भी मार दिया है जाति धर्म के अंदर। इसलिए इंसान जिलाओ, मानवता को जगाओ, इंसान जिंदा रखो और एक सभ्यता को उन्नति करो। हमारे देश में बाहर से लोग क्यों आते थे? क्योंकि हमारे देश में सभ्यता थी, सभ्यता थी, लेकिन अंधविश्वास, कुछ अंधविश्वास लोग आए हिंदू समाज में। जो हिंदू सब या फ्रांस के लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को हिंदू सब दिया था, लेकिन उसके अंदर घुस करके एक हिंदू शब्द को दूषित कर दिया, हिंदू शब्द एक अंधविश्वास बना दिया। इसलिए आपको हिंदू कहने में भी अजीब सा लगता है क्योंकि अंधविश्वास मतलब हिंदू। इसलिए सभी ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बस थोड़ा सा खुश सोचे आदमी, गलत क्या है सही क्या है, और अपने जैसे वोटों को समानता का अधिकार है वैसे ही सबको समानता का अधिकार है। देश सबका है, किसी एक का नहीं है, लेकिन क्या करें आजकल राजनीति जो है ये जाति धर्म की राजनीति होने लगी।
इसलिए साथी ज्यादा ना करते हुए मैं अपनी बाड़ी समाप्त करता हूँ। बस थोड़ा सोचे आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपका साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे रहे तो बाबा साहब के जो विचार थे उन्नति में आएगा और सबको मौलिक अधिकार मिलेगा। यात्रा किया गया है तो यहाँ स्पीच देने की बात नहीं, हमारे वक्ताओं ने भी अपने विचार रख चुके हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आज जो है वर्तमान जो है केंद्र की सरकार जो हमारे संविधान के ऊपर धावा बोल करके परम पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि जो है वो संविधान बनाया है जो सभी जाति धर्म को सबको जो है देखते हुए उन्होंने बनाया है, आज उस पर जो संविधान को खत्म करने के लिए आज ये वर्तमान सरकार उस पर जो है उसको खत्म करके कोई पुरानी जो है संविधान को लागू करना चाहती है, मनु संविधान को लागू करना चाहती है। तो साथियों हम लोग यहाँ पर उपस्थित सभी साथी जो यहाँ पर अभी तो एक ट्रेलर के रूप में यहाँ पर सजी सातन जी की अगुवाई में हम लोग आए हुए हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग ये जो है ये पदयात्रा जो है या रैली या किसी नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको बताने आए हैं कि सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करे। अगर संविधान के छेड़छाड़ करेगा तो हमारे देश के जो है ये बहुत समाज के लोग ये जो संविधान को मानने वाले जो बाबा साहब परम पुरुष बाबा साहब के अगुवाई में जो यहाँ पर आए हुए उनके बच्चे उनके अनुयायी ये बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे जो कि आप जो है इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो साथियों हमारे जो है वक्ताओं ने बता दिया है, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं जो है आप सबको बस यही आगाह करूंगा कि आप लोग जो है इस संविधान के बारे में आगे भी अपने अभियान को अपने मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने सभी साथियों को बताएं कि हमारे जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे, अगर छेड़छाड़ करेगा हम सब जो है एकजुटता होकर के इसको बड़े आंदोलन के रूप में जो है पूरे देश।